ये मालवी का पूरा क्या मामला है? ये जो मालवी है वो मेरे मतलब फैमिली फ्रेंड है, मैं उसका इधर गार्डियन हूँ, इसका पापा मेरा दोस्त है। ये जो लड़का जिसने चक्कू मारा है, वो लड़का उसको लास्ट जनवरी में पहली बार फेसबुक पे रिक्वेस्ट किया था और बाद में उसने मैसेज भी डाला था। मालवी अक्सर सबका प्रोफाइल देखती है, चेक करती है, तो उसने काफ़ी दो चार वीडियो अच्छा बनाया था। उसको एक बार मीटिंग के लिए उसने सीसीटीवी पे बुलाया था, तो मीटिंग भी थी जनवरी में, तब उसने बताया था कि भाई मैं एक दो वीडियो बनाया है, अभी तीसरा वीडियो बनाऊंगा, तो ये समय गाना भी उधर सुनाया था, तो अपन साथ में एक बार काम करना चाहे। तो मतलब योगेश ने कहा था, योगेश ने कहा था मालवी का, हाँ मालवी से। तो फिर बाद में तो लॉकडाउन आ गया, लॉकडाउन के बाद जून जुलाई में उसने वापस कॉन्टेक्ट किया कि भाई वापस मैं अभी आपसे एक बार वीडियो के बारे में बातचीत करना चाहता हूँ। तो बोला मैं तब वो शूट कर रही थी लखनऊ में। तो बोला मैं आके आपको बात करते, जो भी फ़ोन पे डिस्कस करते थे, तो फ़ोन पे उसने बोला कि नहीं आप आके एक बार मिल लीजिए। बाद में अचानक क्या हुआ तो वो मैसेज करने लगा, लव वाला, लाइक करता हूँ मैं तो तुझे, बहुत पसंद करने लगा, शादी करना चाहता हूँ। तो उसने ऐसा बोला तभी कि भाई अभी देखो मैं ऐसा आप जो समझ रहे ऐसा मैं नहीं हूँ, मैं प्रोफेशनल काम करती हूँ, एकदम डेडिकेटेड हूँ काम के लिए, और मुझे ये सब कोई दिलचस्पी नहीं है। आप मेरा अगर काम नहीं करना है तो भी कोई टेंशन नहीं है, मैं प्रोफेशनली काम करूँगी, और आप मेरा ऐसा मैसेज मत करिए और दोबारा, नहीं तो मैं आपको ब्लॉक भी कर दूँ। फिर भी वो बंद नहीं हुआ तो उसने मैसेज चालू ही रखा, तो उसने ब्लॉक कर दिया। फिर उसने फेसबुक मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह फॉलो कर करके मैसेज करना चालू किया। फिर वो जब आई तो उसको पीछे दो चार बार घर के गेट के पास भी दो दो घंटा वेट किया, गुलदस्ता लेके खड़ा रहा, एक बार मेरे से बात कर लो, बात कर लो, तब भी उसने मना कर दिया कि अभी जो पीछा करोगे तो मैं पुलिस को कंप्लेंट भी कर दूंगी। बाद में वो शूट पे चली जाती थी, तो वापिस अभी जो दुबई गई थी शूट पे, तभी वहाँ इंस्टाग्राम पे मैसेज बहुत कर रहा था। तब जब अभी परसों संडे को आई थी, तो मंडे को कल एक मीटिंग करने गई थी, तो वो फॉलो करता ही होगा पीछे से, तो पीछे से आया, फिर गाड़ी में बैठ जाओ एक मिनट बात कर लो ऐसा, और बद्रीनाथ अमरनाथ वो जो रास्ता है वहाँ पे, उसने मना किया कि भाई मुझे बात ही नहीं करना आपसे तो क्या। तो फिर वो गाड़ी रख के पीछे पीछे चल के आया कि भाई मालवी एक बार रुको, मैं भी मर जाऊँगा या तुझे भी मार दूँगा करके, ऐसा करके आ गया कि ऐसा पेट में चक्कू ही। फिर उसने ऐसा अचानक अटैक हुआ, तो वो थोड़ा जनरली जो होता है तो ऐसे झुक गई, तो उसने फेस पे वार करना गया, तो फेस के ऊपर उसने दोनों हाथ से आर्म से ऐसा कवर कर लिया, तो दोनों हाथ पे 6-6 इंच का लंबा यहाँ और यहाँ ऐसा घाव आ गया है, और पेट में भी 1.5 इंच का डॉक्टर ने बताया है, 1.5 इंच तक का अंदर घाव। अभी उसका इलाज ये चल रहा है कि वो डॉक्टर ने पहले तो बीच में आई तब तो बात करती, फिर कॉन्शियस हो गई थी, तो अभी डॉक्टर ने बताया कि अभी खतरे से बाहर है, लेकिन अभी उसका प्लास्टिक सर्जन को बुलाया है, तो उसका वो स्टिचेस का काम जो है वो सब अभी ओटी में वो चल रहा है। एफ आई आर कर दिया पुलिस कलम 307, अलग अलग 4-5 कलम है, मुझे ऐसा जुबानी याद नहीं है, एफ आई आर का कॉपी भी आ गई है। पुलिस रात को 10 बार आ गई थी, उसने अपना गाड़ी के नंबर से इसे रजिस्ट्री का नंबर, एड्रेस सब तहकीकत किया, रात को 2 बजे पुलिस ने उसका घर भी ढूंढ लिया, वहाँ भी जाके आई, वहाँ नहीं मिला है, और वो फरार। पुलिस अपना अच्छी तरह से काम कर रही फैमिली उसका मंडी में है, एक्चुअली वो हिमाचल प्रदेश से है, तो फैमिली का उसका पापा का मेरे रात को 5-6 बार बात हुआ, तो उसने बताया कि भाई मैं डॉक्टर को पूछ के आपको बोलता हूँ, फिर आप आइए। उसने टिकट भी करवा लिया था, लेकिन डॉक्टर ने मना किया कि आप उसको ऐसे अर्जेंट, क्योंकि वो 3-4 दिन वो सब तो वो बोला वो हम लेके ही जाने वाले हैं, तो बोला ये कल आ। नहीं, वो हम फैमिली फ्रेंड है हम लोग का, और मैं उसका मम्मी हूँ, सालों से सब दोस्त हैं। अच्छी दोस्ती, अच्छी बॉन्डिंग है, दैट्स ऑल।
और हादसा के बारे में सर ऐसा है कि वो अभी दो दिन पहले तो दुबई से आई थी, तो दुबई से आई थी तो उसकी गाड़ी अभी मतलब रिपेयर में थी। अब यू नो दशहरा का समय है तो डेंटिंग वेंटिंग के लिए लोग नहीं रहते हैं, तो नॉर्मल उसका एक छोटा सा मीटिंग था, तो उसने मुझे बोला था कि मैम छोटा सा मीटिंग है मैं करके मैं घर चले जाती हूँ। मैं बोला ठीक है वॉक कर ले, बिकॉज जिम इज़ क्लोज नाउडेज राइट बिकॉज ड्यू टू लॉकडाउन, तो आप वॉक करके चला जाओ। आप वॉक करके जाओ रात को 8:30 बजे वर्सोवा में, क्या किया सर ये कोई मतलब कि कोई लाहौर वाहौर है क्या सर कि मतलब वहाँ पे जाओ आपके ऊपर मतलब अटैक कर दिया जाएगा, मतलब किसी ने मतलब ऐसा ये कौन सा मतलब शी स्टेइंग वॉट एवर इट इज सर, मतलब वो अपनी जा रही है वॉक करके, सडनली दैट गाय काम कि प्लीज़ मेरे गाड़ी में बैठो एंड इफ शी इज रिफ्यूजिंग देन दैट इज काम दैट गाय इज कमिंग एंड जस्ट स्टैबिंग इन स्टोमक, ये कौन सा मतलब बात हुआ सर, आई डोंट अंडरस्टैंड। एंड द मेजर थिंग इज दिस सर, उसके हाथ का ना सर, मैं ट्रस्ट में ये जो चीज़ है इसने चक्कू यहाँ घोपा ये निकल गया है ये हाथ से, मतलब आप सोचो कि कैसा ये घुस के यहाँ से निकलता है, यहाँ से क्रैच होता है, वो यहाँ से निकल गया, सच काइंड ऑफ ब्लीडिंग इज देयर एंड शी इज जस्ट सर बोलते हैं ना सर वो प्यार वार का चक्कर होता है, आप प्रोड्यूसर बोलते हो अपने आप को, होंगे आप प्रोड्यूसर यार पर आप कोई लेवल के प्रोड्यूसर नहीं प्लीज ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि यार ऐसा कोई प्रोड्यूसर होता है कि आप प्रोड्यूसर भी बोलते हो और बाद में आप ये बोलते हो कि यार तुम मुझसे शादी कर लो, या चलो शादी कर ले तुमने उसको बोला पर उसने तुमको रिफ्यूज़ कर दिया ना, तुमने उसको रिफ्यूज़ कर दिया, उसने तुमको दो बात बोला, तुमको गुस्सा आ गया, तुम आगे चक्कू से घोप दिया, कम ऑन यार। अरेस्ट को लेके ये है सर, एवरीथिंग इज ऑन प्रोसेस, ही विल बी कॉट बाय हुक और क्रूक ठीक है। एंड आई ट्राई टू रीच लॉट ऑफ पीपल ओके, एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस एवरीबडी इज सपोर्टिंग यू, मीडिया पीपल आर सपोर्टिंग ओके, एंड द पुलिस पीपल आर सपोर्टिंग, क्राइम ब्रांच पीपल आर सपोर्टिंग एंड आई एम श्योर ही विल बी कॉट। I'll say you one thing, sir. You know there were a lot of questions coming up in a lot of situations, like in Sushant Singh Rajput case. Like, see, I am a youngster, right? So he's always a rising, he's always a star to us, right? So, हमारे मन में है, लेकिन कहीं विश्वास भी है सर, क्योंकि मुझे practically 12 साल में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई आकर आपको मार के चला गया, ना मेरे घर पे, ना मेरे घर के आसपास में, मेरे दोस्त मीरा रोड में भी रहते हैं, मेरे दोस्त भाईंदर में भी रहते हैं, वहाँ तक भी मैंने नहीं सुना। और मैं तो सर अंधेरी में रहता हूँ, वर्सोवा में रहता हूँ, वर्सोवा जैसा जगह आप सोच सकते हो, व्हेन यू आर गेटिंग अ गोइंग टू अ हाउस एंड टेकिंग अ रेंट, दोस्त पीपल आर चार्जिंग 45,000 rupees फॉर 1 BHK, व्हाई, बिकॉज इट्स इन द मेन एरिया ऑफ मुंबई, इफ इन दिस मेन एरिया ऑफ मुंबई यू पीपल आर नॉट सिक्योर, हाउ कम एनीबॉडी विल बी सिक्योर, दैट्स व्हाट। उनकी हालत कैसी है सर? शी इज आउट ऑफ डेंजर एज पर द डॉक्टर से, बट स्टिल प्लास्टिक सर्जरी उसकी बाकी है, और वही आपको जो मैंने हाथ वाला हिस्सा बताया सर, इट्स बोलना बहुत ईजी है, इट्स आप नहीं देख सकोगे, सच काइंड ऑफ ब्लड। प्रशांत आखिरी सवाल है, यस गो अहेड सर। कंगना की जब बात करता हूँ, हमने सुशांत का जिक्र किया, yes, yes. कंगना हमेशा से बेबाक रही है अपनी बात रखने के sir, लिए उन्होंने जैसे एसएसआर की बात करी, और जो मालवी का मुझे समझ में आता है, शी बिलोंग्स टू द सेम आई प्लेस, शी बिलोंग्स टू हिमाचल, अब तक उन्होंने कोई आई ट्राई टू रीच कंगना, मैंने उनके मेरे बहुत से फ्रेंड है, मुकेश कुमार अग्रवाल इज फ्रॉम Z5, तो उसने मुझे कंगना के पीए का नंबर दिया, लेखा, तो लेखा और सच जेंटल वुमेन, उसने मुझे फिर उसके एक पीए का नंबर दिया नेहा करके, तो मैंने उसे कॉल किया, हाँ जो भी नेहा अंसारी, तो आई ट्राई टू रीच हर, सो शी वाज नॉट पिकिंग अप माय कॉल, बिकॉज आई वाज जस्ट नॉट बिलीविंग ऑन नेहा कि वो क्या, मैं नहीं जानता उनको, जो मुझे ये था कि चलो वो मेरे मैसेज भी अगर कंगना को पास कर दी, बिकॉज आई एम श्योर कि वो सबके लिए आती है, कुछ उसके बारे में कोई कुछ भी बोलो, मुझे उस चीज़ से मैं उस चीज़ के ऊपर निर्भर नहीं करता, मुझे इतना तो पता है कि वो, उसको जब ये पता होता कि उसके गाँव का या कोई भी ऐसा लड़की ठीक है जो कि मतलब शी इज जस्ट इन आर यू नो शी जस्ट स्टेपिंग अ स्टोन इनटू इंडस्ट्री एंड सडनली समबडी इज कमिंग एंड स्टेपिंग, सो आई वांट दिस पीपल एंड एवरीबडी यू गाइस प्लीज ट्राई टू मेक दिस न्यूज एटलीस्ट टू रीच हर सो दैट शी कैन जस्ट गो अहेड एंड डू दिस थिंग सो दैट यू नो देयर विल बी अ लॉट ऑफ हाई स्ट्राइक बिकॉज आई नो देयर आर सुशांत सिंह राजपूत केस इज गोइंग ऑन बट स्टिल देयर इज नो रिजल्ट येट राइट पीपल हैव नॉट गॉट एनी रिजल्ट Anyways, that's people are investigating, CBI investigating, that's not my cause. But still, it's my friend, right? She's my friend. She called me. So it hurts me, right? It hurts me. So I want that culprit to be caught at any cost. And I really request you guys, because you people are the most powerful source to be reached out to anybody in this world. Okay? So I want you guys to please forward this text. I'm so sorry. Forward this voice message to
मिस कंगना एंड आई हैव अ लॉट ऑफ फेथ ऑन हर एंड प्लीज़ कंगना जी आपके नेहा मैम को मैंने 4 से 5 बार कॉल भी किया एंड आई एम श्योर शी माइट बी बिजी और समथिंग तो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट की प्लीज़ इफ यू कैन सी लुक आउट ऑन दिस इट वुड बी अ ग्रेट हेल्प एंड आई रियली थैंक यू गाइस.